मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने बॉलीवुड में जिस तरह अपनी जगह बनाई, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐश्वर्या ने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से सफलता हासिल की और जिस तरह बाकी सभी स्टार्स के साथ उनके बॉन्ड रहे, क्यों लोगों के बीच ऐश्वर्या विवादों में भी उतनी ही रही। कई बड़े एक्टर्स के साथ उनके विवादों से भरे रिश्ते रहे, लेकिन एक्ट्रेसेस के साथ ऐश्वर्या के विवादित रिश्ते की ज़्यादा चर्चा हुई है। चलिए हमारे इस रिपोर्ट में आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी उन्हीं में से एक है जिनके साथ ऐश्वर्या कभी अपने जुगलबंदियों के लिए जानी जाती थी, और आज वही ऐश्वर्या रानी के साथ रिफ्ट के लिए भी चर्चाओं में रहती है। किसी ज़माने में दोनों एक दूसरे के बेहद अच्छी दोस्त थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अब बातचीत भी करने से बचती हैं। कारण है एक शख्स जिनसे रहा इनका कनेक्शन गहरा। रानी मुखर्जी अभिषेक की रही हैं एक्स कहा जाता है, लेकिन रानी ने उन्हें अपना हमेशा अच्छा दोस्त बताया। दरअसल रानी ने ही इस बारे में बताया कि ऐश्वर्या के साथ उनके रिश्ते में दिक्कत कहां सामने आई। शाहरुख और रानी ने फिल्म चलते चलते किया। आपको पता है इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या को कास्ट किया गया था। सलमान ने ऐसा तमाशा किया कि मेकर्स को फिल्म से ऐश्वर्या को बाहर करना पड़ा था। फिर रानी की झोली में आकर ये फिल्म गिरी थी। इसके बाद ही रानी और ऐश्वर्या की दोस्ती में दरार पड़ गई थी। लोग कहते हैं कि अभिषेक के साथ रानी के रिश्ते थे और अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या बनी, इसलिए भी रानी के दिल में ऐश्वर्या को लेकर कहीं ना कहीं खटास तो रही होगी। वहीं जब फिल्म में ऐश्वर्या को रिप्लेस कर रानी को लिया गया, तब ऐश्वर्या के दिल में भी रानी के लिए कहीं ना कहीं तकलीफ भरे एक अलग ही तरीके के नज़रिए बनने लगे। ऐसे में दोनों के बीच कहीं ना कहीं दरारों के कारण कई थे। वैसे एक बार रानी ने बताया था ऐश्वर्या अभिषेक ने शादी की और उन्हें नहीं बुलाया, इसके लिए भी उन्हें उनसे काफ़ी तकलीफ रही है। दोस्ती में दरार के कई कारण थे, जी हाँ। और रानी ने कहा था मुझे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था ऐश्वर्या से कभी, और शायद उन्हें हो सकती है क्योंकि हमने फ़ोन पर एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी है, ना ही हम किसी पार्टी में मिलते हैं। लेकिन इतना जानती हूँ मैं कि हम जब भी मिलेंगे अच्छी तरह मिलेंगे। तो एक्ट्रेस एक दूसरे की दोस्त बनना चाहती है तो वो बन सकती है। आपको अपने दिमाग से इनसिक्योरिटीज़ बस निकालनी होती हैं। ऐश्वर्या रानी से इनसिक्योर रही ऐसा शायद रानी को लगता है, इसलिए ऐश्वर्या ने रानी से बात करना बंद कर दिया। चाहे फिल्म को लेकर हो इनसिक्योरिटी या फिर अभिषेक के साथ रिश्ते को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव्स ऋतिक रिपोर्ट।